नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज साल 2022 का पहला दिन है और आज सुबह देख रहे हैं आप ठंड कितनी है, कोहरा देख सकते हैं आप वीडियो के बैकग्राउंड में। और मैं सुबह सुबह जल्दी नहा लिया हूँ ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि साल का पहला दिन अच्छा होना चाहिए। और देखते हैं, चलिए आज मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है तो पहला दिन को थोड़ा यादगार बनाएंगे। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे कोरबा की मंदिरों की, क्योंकि नया घर का पहला दिन है, कुछ यादगार बनता है, थोड़ा भक्ति भाव से दिखाना जरूरी है। चलो चलिए अपन चलते हैं सर्वमंगला मंदिर और देखते हैं, सब माता के दर्शन करते हैं और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है तो वहाँ तो खैर भीड़ ही होगा, फिर भी देखते हैं वहाँ कुछ ऐसा कुछ स्पेशल मिल जाए। चलिए देखते हैं, माता के दर्शन करते हैं। अपन पुल पहुँचे सर्वमंगला पुल, ये पुल पार करते ही लेफ्ट लेके अपन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। चलिए देखिए नज़ारा, देखिए आप एरिया में डस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ ट्रक चलता है इस पुल पे, इस कारण यहाँ डस्ट साइड साइड में दिख रहा है। यहाँ से नदी का नज़ारा देखिए, ये जो सामने ये जो दिख रहा है पहाड़ जैसे, ये खदान से जो निकलता है वो डंप है, इसके पीछे पूरा खदान है। ये मंदिर से पैदल जाने का रास्ता मंदिर में, मंदिर के लिए। और ये सर्वमंगला उद्यान देखिए, सर्वमंगला गार्डन है। ये सामने जो चौक दिख रहा है सर्वमंगला चौक है, इसके राइट साइड से गेवरा जाने का रास्ता है, गेवरा होते हुए पाली दिल का, लेफ्ट साइड से इधर से कनकी उर्गा होते हुए बिलासपुर जाने का रास्ता है। यह मंदिर के उतर रहे हैं, यहाँ ठेला वगैरह लग चुका है, नया साल तो रौनक बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख के अपन अंदाजा लगा सकते हैं कितने श्रद्धालु पहुंचे होंगे मंदिर में माता के दर्शन के लिए। देख सकते हैं आप लोग, देखिए पानी पीने जा रहे हैं, ये एरिया सही लग रहा है पार्किंग के लिए, इधर रखते हैं। ठीक 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 ठीक, अपन मंदिर तो पहुंच गए लेकिन यहाँ की भीड़ देख के हम लोग दंग रह गए हैं, क्योंकि इतना भीड़ किसी साल में नहीं रहता, जबकि इस साल तो ओमिक्रॉन वायरस का भी खतरा कुछ कुछ मंडरा रहा है। हालांकि कोरबा में तो ऐसा कोई केस मिला नहीं है, फिर भी जो डर है वो बना हुआ सभी मंदिर में। उसके बावजूद आप देख सकते हैं इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन लगी है। देखिए मंदिर के इस साइड के स्वागत द्वार पे ये बता रहे हैं कि इसका जहर निकल चुका है। देखिए देख सकते हैं मंदिर में कितना भीड़ है, मंदिर का मनमोहक नजारा देखिए। हालांकि भीड़ के कारण अपन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर किए, बाहर से दर्शन किए मंदिर के। ऊपर में मंदिर में सूर्यदेव महाराज हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। शंकर जी का मंदिर है,
मंदिर का सीन दिखता है। यहाँ से नीचे उतरते ही हमें एक न्यूज़ वाले भैया मिल गए और दीपक भैया कुछ उनको बताने लगे। देखिए कुछ छोटा सा क्लिप देखिए। बस मैं ये दुआ करना चाहूँगा मास्क से सबको कोरोना नामक जो महामारी है उसको जा के रखें और सबके सुख सुविधाओं के साथ के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। अरे देखिए मंदिर से निकलते ही हमें कितना दूर का सामना करना पड़ता है। ये अपने देखिए हमें कितना लंबा जाम का सामना करना पड़ रहा है। बंद है। चलिए यू टर्न लेके अपन चलते हैं। अरे फाइनली अपन उस जाम से निकल गए हैं। साइड में जाके लड़ो। चला चला चल चल चल। देखिए ये पार्किंग एरिया है। अपन पीछे साइड से पार्किंग देख के आप समझ सकते हैं कि आज की वीडियो रास्ते से फाइनली चलिए जाम से तो अपन निकले। देख रहे हैं ट्रक ऐसा से ट्रक चलते हैं अपने कोरबा शहर में। चलिए अब उस रास्ते से तो अपन निकल गए हैं। चलिए आज ऐसा जगह जाके देखते हैं जहाँ कुछ पिकनिक स्पॉट है कोरबा में जहाँ लोग पिकनिक मनाने आए हैं ताकि हम भी थोड़ा मजा कर सकें। कहाँ है वो मेन सिटी से प्लान किए हैं रजगा मार्केट जाने के लिए। रजगा मार्केट थोड़ा जंगल एरिया है उधर पे चल के देखते हैं वहाँ कैसा है माहौल। देख रहा हूँ लड़की को फोन में बात करते जा रही है ना हेलमेट लगाई है ना कुछ एक हाथ से स्कूटी चला रही है। तो अपन ये रजगा मार्केट रोड पकड़ लिए हैं कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। गाइस हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कार वगैरह खड़ी है मतलब लग तो रहा है कुछ भीड़ तो होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है माहौल नीचे का। नीचे में एक्चुअल में है वाटरफॉल है कुछ तो वो उस हिसाब से पिकनिक स्पॉट बन जाता है। तो गाइस हम लोग ये पिकनिक स्पॉट आ गए हैं रजगा मार से पहले है तो चलिए देखते हैं कि कैसा माहौल। रास्ता कहाँ से है? यहाँ से भी है रास्ता तो लग तो रहा है कि काफी भीड़ है इधर। तो ये पास से देखते हैं करीब से क्या गजब नजारा है। तो गाइस आज अपन आए थे ये रजगा मार्ग से पहले ये जगह है पिकनिक स्पॉट है। ये जगह अभी फेमस नहीं हुआ इसकी इसीलिए इसका कुछ स्पेशल नाम नहीं है। आप अगर आते हैं तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं पिकनिक नेचर के बीच में। पिकनिक के लिए बढ़िया स्पॉट है। मैं ये दोबारा आया हूँ पहले बार और आ चुका हूँ दो बार पहले और आ चुका हूँ तीसरी बार में। आप आके यहाँ नेचर का मजा ले सकते हैं फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।